बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन क्रूज ड्रग्स केस में जारी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आर्यन को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े पहले दिन से ही एमवीए गठबंधन के निशाने पर हैं। राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक वानखड़े पर आरोपों की झड़ी लगा चुके हैं। समीर वानखड़े नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बता चुके हैं। वहीं बीजेपी अब खुलकर वानखड़े परिवार के समर्थन में आ गई है। बीजेपी के नेता लगातार समीर वानखड़े और उनके परिवार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इस बीच वानखड़े के परिवार ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से मुलाकात की है, लेकिन नवाब मलिक ने इसको लेकर भी तंज कसा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा है कि बोतल से बाहर जिन आ ही गया। आपको बता दें कि समीर वानखड़े के परिवार ने बीते दिनों सोमैया से मुलाकात की थी। इसके बाद किरीट सोमैया ने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी तस्वीरें भी ट्वीट की और दावा किया कि ये लोग नवाब मलिक द्वारा बदनाम हमलों से परेशान हैं। हालांकि वानखड़े परिवार ने भी मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब समीर वानखड़े की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, DGP और मुंबई पुलिस आयुक्त को NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े की शिकायत पर 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। समीर ने अपने जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ मलिक के आरोपों के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने ये रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने NCB अधिकारी समीर वानखड़े पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया है। मलिक के मुताबिक समीर वानखड़े और उनका परिवार मुसलमान है। हालांकि वानखड़े ने ये भी आरोप गलत बताया है। वानखड़े परिवार के मुताबिक मलिक समीर वानखड़े से अपना पुराना हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं, इसीलिए गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन समीर वानखड़े भी साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।